दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट एंड मैथोलॉजिया में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा उत्तर प्रदेश बोर्ड का पहला पेपर हिंदी का। देखिए, हिंदी का जो पहला पेपर है वो आपके सामने है। इसमें क्या है कि आपको एक जो है, देखिए ये 801 AB वाला जो पेपर है ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो पेपर है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक कथन सही है वो हमें बताना, उसे पहचान कर लिखिए। तो देख लीजिए, इसमें जो कथन है ये भी गलत है कि प्रेमचंद एक महाकवि प्रसिद्ध से, ठीक है। तो देखें, इसमें जो है वो है गुनाहों का देवता उपन्यास जो है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता जो है वो डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अगर हम देख लें दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा वो है निम्नलिखित में से कृतियों में से एक लेखक का नाम लिखिए। तो एक लेखक का नाम लिखना है तो आपको मैं बता दूं कि सेवा सदन जो है, सेवा सदन आपका जो है प्रेमचंद का था, प्रेमचंद की कृति थी, प्रेमचंद की थी। चंद्रगुप्त जो है, जो आपका चंद्रगुप्त है, लिख लेते हैं चंद्रगुप्त, जयशंकर की थी, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर। बर्फ की गुड़िया जो थी वो जयप्रकाश भारती की थी, जयप्रकाश भारती, प्रकाश भारती की थी। अतिथि के चलचित्र जो थी महादेवी प्रसाद, महादेवी वर्मा की थी, ठीक है, महादेवी, महादेवी वर्मा की थी, वर्मा। तो ये आपकी कृतियों के मैंने चारों के नाम लिख दिए, इसमें से कोई एक लिखना था आपको एग्जाम में। अब देख लेते हैं ग, ग जो है आपका है कि कलम का सिपाही इस साहित्यकार का जीवन परिचय है। देखिए, प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद जी का है, ये इसका है प्रेमचंद जी का, प्रेमचंद जी का है, मगर जो है इसके लेखक जो हैं वो हैं अमृता राय, अमृत राय, सॉरी अमृत राय, ये हैं इसके लेखक, ओके। अच्छा, ये क्या है, किसी एकांकी का लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी का लेखक का नाम की अगर हम बात करें तो इनका था जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद थे, जयशंकर प्रसाद जिन्होंने लिखी थी एक घूंट, एक एकांकी लिखी थी, एक घूंट, ओके, एक घूंट थे। देख लेते हैं ड वाला, देख लेते हैं ड वाला, ड वाला था आवारा मसीहा रचनाकार कौन थे, आवारा मसीहा के रचनाकार थे विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर कौन थे, विष्णु प्रभाकर, ओके। अब देख लेते हैं रीति काल का, देखिए इसके लिए मैंने नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन दिया है। रीति काल दूसरा पेज है, रीति काल और छाया, छायावाद के दो प्रमुख विशेषताओं के लिखिए और रीति काल की दो प्रवृत्तियों को लिखिए, तो मैंने यहाँ दे दिया है आपको, देख लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन दो विशेषताओं की बात कह रहे थे यहाँ पर, तो देख लेते हैं। ये है, देखें पहला था छायावाद की दो प्रमुख, तो दो प्रमुख की बात कर रहे थे छायावाद की, तो पहला ये रहा रहस्यवाद था, दूसरा जो है स्वच्छंदवाद था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दूसरे ख की बात अगर करेंगे, रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये है पहला और दूसरा भी आपके सामने है ये, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो तीसरा जो है किसी एक प्रवृत्तिवादी कवि का नाम लिखिए। देखिए, जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं, प्रवृत्तिवादी कवि का नाम था नागार्जुन, इसमें तीसरा मैंने जो है पेपर में लिया नहीं, यहाँ पर तीसरा होगा, उसका नाम है नागार्जुन, था नागार्जुन, नागार्जुन, ओके, नागार्जुन थे, किसके थे, ये कवि थे आपके प्रगतिवादी, प्रगतिवादी कवि थे ये, कैसे कवि थे, प्रगतिवादी कवि थे, ओके, प्रगतिवादी थे नागार्जुन। बहुत इजी पेपर आया था, आप इसे आराम से कर सकते थे। अब देख लेते हैं थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड का था कि आपको, देखिए थर्ड प्रश्न में आपको दिखा देता हूँ, थर्ड प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर है, देख लें। ये एक आपको जो है गद्यांश दिया गया था और इस गद्यांश का आपको कहा गया था संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ दिया गया है, संदर्भ सहित व्याख्या ये रही, आंसर नंबर थर्ड, आंसर नंबर थर्ड ये रहा। आप इसे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस का इसमें सॉल्यूशन दिया है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये थर्ड के थे क और ख, क और ख में थर्ड के में से किसी एक को करना था, देखिए किसी एक को करना था तो हमने ये वाला कर लिया था, यानी कि थर्ड का क कर लिया था, ख नहीं करेंगे, ओके। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो है, मैंने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस वाले को सॉल्व किया, इसको सॉल्व नहीं किया है पहले वाले को, दूसरे वाले को सॉल्व किया है, वो यहाँ पर है, देखिए ये रहा संदर्भ, ये है आपके सामने संदर्भ, ये है प्रसंग, ये है व्याख्या, ये है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा आप सही करके आए हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे तो देखिए इसमें आपको जीवन परिचय लिखना था, तो मैंने यहाँ पर मोटा मोटा जीवन परिचय लिया है। अ वाले पार्ट का एरा और ख वाले पार्ट का एरा। यहाँ ख वाले पार्ट मैंने सूरदास जी को लिया है और क वाले पार्ट मैंने राजेंद्र प्रसाद जी को लिया है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पर लिए हैं, आप देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जी इसमें फर्स्ट है, सूरदास जी भी इसमें फर्स्ट है। ओके, दोनों का पहला पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन है ये आपके सामने। आठवें क्वेश्चन में क्या है, देखिए करुड़ रस की परिभाषा बताइए और एक उदाहरण भी दीजिए। करुड़ रस की परिभाषा देख लीजिए, ये दुख के लिए प्रतीक होता है। क्या होता है? दुख के लिए प्रतीक होता है इसका। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण भी लिखा है। ये जो है राम और दशरथ की जुदाई के ऊपर है, यानी कि जब दशरथ को छोड़कर जा रहे थे तब के लिए है। ओके, तो यहाँ पर देख लें उपमा अलंकार भी आपके सामने है। उपमा अलंकार मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, आप इसे देख सकते हैं कि नहीं। दो वस्तुओं के गुण या आकृति स्वभाव आदि समानता दिखाई दे जाए, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये मैंने एक इसमें जो है आपको उदाहरण भी दिया है। ओके, यहाँ पर देखेंगे सोरठा की बात करेंगे। सोरठा में क्या है, रोला उदाहरण है आपके सामने। तो देखें रोला की बात कर रहे हैं तो रोला आपके सामने है, सॉरी सरोठा, सोरठा लिया है मैंने, इसमें रोला नहीं लिया है, सोरठा लिया है। तो सोरठा एक मात्रिक छंद है, एक दोहा ठीक उल्टा होता है सोरठा का। एक विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। टोटल इसकी मात्राओं की बात करेंगे तो टोटल जो होती हैं वो 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सोरठा होता है, ये एक उदाहरण है सोरठा का, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ये थे आपके 8 क्वेश्चंस आज के पेपर के। बाकी के क्वेश्चंस को मैं अगली नेक्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व कर लूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।